भगत सिंह जो वन ऑफ द ब्रेवेस्ट फ्रीडम फाइटर थे हमारी इंडिपेंडेंस के लिए, जिनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था, तो मेरा ये पतंग बस उनको एक छोटी सी कंट्रीब्यूशन है। वेल, माई नेम इज़ शेख मोहम्मद अफजल। पतंग में मैं रॉनी RONY रॉनी के नाम में स्टैम्प लगाता हूँ। करेंटली आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम उमेश चंद्र कॉलेज एंड करेंटली परजूइंग CMA फाइनल। मुझे पतंग बनाने का शौक लगा लास्ट ईयर जब फर्स्ट फेज ऑफ लॉकडाउन पड़ा, जब मेरा स्टडीज़ वगैरह बंद हो गई, नथिंग एल्स वॉज टू डू, तो मुझे ये इस चीज़ का उमंग लगा। स्टार्टिंग में मैंने शुरुआत किया, फिर मेरे उस्ताद बड़े भाई नाजीब रहमान जी ने मेरे बहुत मदद किया, मुझे गाइड किया कैसे कमाने छिलते हैं, कैसे ये छिलते हैं, एंड स्लोली इट थ्रू प्रोसेस थोड़ा थोड़ा चला, थोड़ा बेटर होते गया, जाते जाते अराउंड मेरे को आज एक से डेढ़ साल हो रही है पतंग बना रहा हूँ। और मेरी पतंग माशाल्लाह से इंडिया में दिल्ली गई, कानपुर गई, मुरादाबाद गई, जयपुर गई, लखनऊ गई, और ये सारे क्रेडिट जाते हैं मेरे बड़े भाई मोहम्मद वासिफ भाई को। उन्होंने मेरी पतंग भेजी और आगे भी बोले भेजते रहेंगे। August 15, द डे ऑफ काइट फ्लाइंग। ये बेसिकली सिर्फ काइट फ्लाइंग नहीं है, ये हम लोग जो ये जो दिन है ये हमारे वन ऑफ द ग्रेटेस्ट हम लोग ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर्स को याद करने के दिन है। तो भगत सिंह जो वन ऑफ द ब्रेवेस्ट फ्रीडम फाइटर थे हमारी इंडिपेंडेंस के लिए, जिनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था, तो मेरा ये पतंग बस उनको एक छोटी सी कंट्रीब्यूशन है। ये बेसिकली ये ट्राई कलर के ऊपर है और ये जो डिज़ाइन है ये टोटली कट एंड पेस्ट है, ये मैंने खुद से स्केच करके कट करके ये बनाए हैं। इसको अराउंड 6 to 7 hours लगे बनाने में ये भगत सिंह, और ये पौनी पतंग है बेसिकली। August 15, it's a festival of color, so I thought why not give a small touch to our sky। ये basically ये मेरी अद्दी है, लंबी काट की ये पतंग है, और मैंने कुछ ट्राई कलर में कोशिश किया है, और ये मेरी गोल फर्मे में है, ये भी ये अद्दी है और मैंने कोशिश किया है ये कुछ ट्राई कलर में कुछ यूनिक बनाने का, ये मेरी से बस छोटी सी कोशिश है। ये दोनों अद्दी में ही जी, ये लंबे काट की है और ये गोल काट की है। ये पतंग बेसिकली नेम इज इनक्रिप्टेड है, ये आयुष्मान भाई है, ये बेसिकली अलाहाबाद रहते हैं, ये पतंग अलाहाबाद ही जाएंगी। मेरे कुछ ऑर्डर थे, ये मेरे बड़े भाई अरमान भाई है, उनके फ्रेंड है, बस मैंने उनके लिए बनाई थी ये छोटी सी कोशिश। ये पतंग बनाने में अराउंड 4 to 5 hours सिर्फ इसको स्केचिंग करने में लग जाती है, फिर उसको कट एंड पेस्ट अराउंड ये करने में और फुल फिनिशिंग के साथ लगभग एक दिन सारा दिन लग जाती है एक पतंग बनाने में, सारा दिन लग जाती है। ये पतंग एक छोटी सी तोहफा है मेरे टीम बॉम्ब अड्डा के लिए, ये बेसिकली ये ग्रफिटी आर्ट होता है उनसे मैंने ये लिया है, तो उनसे मैंने इंस्पिरेशन ली है, ये जो सारे लेटर्स जुड़े हुए हैं ये उनसे मैंने छोटी सी इंस्पिरेशन ली है, ये भी कट एंड पेस्ट है, और ये छोटा सा यूट्यूब में एम्ब्लेम दिया हूँ क्योंकि टीम बॉम्ब अड्डा जो है बहुत मेहनत करी हम जैसे यंग आर्टिस्ट को एक्सप्लोर करने में, और आप लोग भी इनका काम को अप्रिशिएट करें, एक छोटा सा लाइक कर दीजिए और फॉलो भी कर सकते हैं आप। टैटू आर्ट है ये जो मैंने बनाई, ये मैंने बेसिकली खुद से स्केचिंग करके बनाई है, ये किसी का कॉपी नहीं है, ये मैंने खुद से ये टैटू आर्ट सीखा था थोड़ा बहुत, तो बस वही मैंने ये पेंटिंग ये स्केचिंग करके मैंने बस कट एंड पेस्ट का थोड़ा नया कुछ करने का कोशिश किया है।
My name is Yusuf Khan and I'm a good friend of Afzal, Mr. Mohammed Afzal. And basically हम लोग बहुत बचपन के दोस्त हैं, तो हम लोग मतलब जब बोले तो हम लोग बहुत लोअर नर्सरी जब से तब से हम लोग बहुत अच्छा दोस्ती आ रही है. एंड ये पतंग बनाने का शौक उसको पड़ेगी आपका समझ लीजिए एक साल से या डेढ़ साल के ऊपर हो गया. स्टार्टिंग ऑफ द लॉकडाउन जब हुआ था तब पड़ा था, क्योंकि सबका जॉब वॉब सब खत्म हो गया था. तो बेसिकली क्या करें, टाइम पास के लिए इट्स अ गुड थिंग टू फ्लाई काइट्स. सो बस इसी से शौक चढ़ा एंड देखते देखते वो इतना अच्छा बन गया सब चीज़ में कि उसका हाथ मतलब इतना बोलते ना कुदरती चीज़ है कि उसका हाथ इतना अच्छा हो गया, इतना पॉलिश हो गया कि इतना जल्दी वो इतना अच्छा अच्छा पतंग बनाने लग गया. एंड हम उसका पतंग बेसिकली यूज़ करते हैं एंड प्रमोट नहीं बोले हैं कि आई एम प्रमोटिंग हिज काइट्स, बट बेसिकली उसका पतंग बहुत अच्छा होता है. हम पर्सनली यूज़ करते हैं, मेरे पास उसका ज़्यादातर कलेक्शन मेरे पास रख रहा था उसका पतंग. तो बहुत अच्छा फीडबैक अगर हम बोलेंगे तो फिनिशिंग में भी अच्छा है, डिज़ाइन में भी अगर बोलिएगा तो अच्छा है. एंड उसको कॉन्टैक्ट करने के लिए उसका पर्सनल नंबर भी अगर आप सजेस्ट कर सकते हैं तो बेस्ट है. एंड रहा बात उसका वर्किंग आर्ट, सबसे इसमें सबसे बड़ा कारीगरी होता है आर्ट्स का, मतलब इसका हाथ में मतलब आर्ट होता है, अच्छा कटिंग होता है इसको, आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स में जो गुड्स होता है जो अच्छा होता है उसका एक मतलब एक अच्छा बेनिफिट पॉइंट पड़ता है. तो ही इज़ गुड इन इट, सो ही इज़ डूइंग वेल एंड हमको पर्सनली बहुत अच्छा लगता है उसका पतंग. सो आई प्रेफर हिज काइट्स मोर देन एनीवन एल्स. आई एम नॉट शोइंग एनीवन कि उसका खराब या उसका अच्छा, बट बेसिकली आई प्रमोट हिज काइट्स एंड आई लव फ्लाइंग हिज काइट्स. ये मेरी कुछ अद्धी पतंग है, ये टूर्नामेंट साइज है, फुल टूर्नामेंट साइज है. ये बेसिकली गोल फॉर्म में पतंग है, ये मैंने बनाया बेसिकली जिसको फाइटर काइट कहते हैं. ये डिज़ाइन बेसिकली कुछ ये नहीं है, कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है, जनरली मैंने बनाया है. इसके ठड्डे में जो काम किया हुआ है बहुत सारे कारीगर ये करते नहीं है. बेसिकली ये इससे होता क्या है कि ये जो ब्लैक 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 स्पॉट्स है इससे ठड्डे में डिज़ाइन भी हो जाती है और अंदर जो बूंद वगैरह है वो लगती नहीं, इससे ठड्डे की शिकायत भी हो जाती है. बहुत सारे आज के कारीगर करते हैं क्या कि दो तीन जगह बस स्पॉट देके छोड़ देते हैं, जो कि बेसिकली वर्थलेस है, वो करने नहीं करने बराबर है. ये मेरी पोनी पतंग है, गोल पतंग है. ये डिज़ाइन बेसिकली वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, वन ऑफ द लेजेंडरी मेकर ऑफ इंडिया उस्ताद अली नवाब साहब के है. उनके सारे बहुत सारे डिज़ाइन हैं, उनसे बस मैंने ये एक बस मेरी छोटी सी कोशिश है, ये मैंने उनका उनके फर्मे में और उनके डिज़ाइन में मैंने कोशिश की है थोड़ी सी. कितना देर लगा है बनाने? ये अराउंड दिन में फुल टाइम अगर बैठूँ मैं लाइक 8 to 10 hours में अराउंड 24 पतंग बनती है. अच्छी फिनिशिंग वाली 24 पतंग बनती है और मोस्टली सारे मेकर 24 to 30 पतंग ही बनी. इससे ऊपर अगर जाएंगे तो क्वालिटी ख़राब हो जाएगी. ये अद्धी पतंग है और ये चील काट, ये बहुत ज़्यादा चील काट है. बेसिकली फ्री टाइम में मैं क्या करता हूँ, मैं अपने खुद के फर्म में बनाते रहता हूँ कुछ चील काट, कुछ बहुत ज़्यादा डोंगा, बहुत ज़्यादा डमरू, और उसको मैं उड़ा के एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ कि वो 500-600 मीटर में क्या काम करती है. बेसिकली ये मेरी खुद की क्रिएशन है. ये बेसिकली ये यहाँ से कर्व होती है ये, क्योंकि ये स्पीड बढ़ाती है. और आजकल जैसे कि छोटे पेज चलते हैं मोस्टली सब खींच के लगाते हैं, तो ये उसमें बहुत ज़्यादा अच्छा काम करेगी. ये 300-400 गज में मतलब अराउंड रॉकेट की तरह दौड़ेगी ये पतंग. ये मेरे गोल्ड कार्ड की पतंग है, ये बेसिकली 800-900 गज में लड़ती है पतंग. बेसिकली पतंग का मेन मोटिव है कि वो अच्छा उड़े. पतंग में कितनी भी डिज़ाइन हो अगर वो अच्छी नहीं उड़ती है तो वो बेकार है. तो पतंग का सबसे बेसिक चीज़ होता है अच्छा कमान, अच्छा ठड्डा लगाना, जो कि आगे जाकर दूर में काम करे. ये जो गोल काट की पतंग, गोल काट के पतंग और लंबे काट के पतंग में डिफरेंस ये होती है कि गोल काट में जो ठड्डा लगा रहता है वो थोड़ा मजबूत लगा रहता है, क्योंकि जब 700-800 गज में जब जाती है तो फिर पतंग का जो झोल होता है उसको वो मतलब कि वो उतना स्ट्रेंथ रहे कि वो ले पाए. और ये कमान भी उसमें थोड़ी तड़ी लगा रहती है, क्योंकि वो जाएंगे 800-900 गज में तो डोर का वेट को वो संभाल पाए. और लंबे कार्ड में क्या होती है कि वो उसका ठड्डा लचकदार होता है, एकदम नरम नहीं लचकदार होता है, क्योंकि वो डोर छोड़ कर चलती है, जो कि छोटे पेज में खींच खाच के मतलब जो दो टुकड़े वाले पेजों में वो ज़्यादा काम आती है. ये पतंग मैंने बनाई है, इसमें थोड़ी नमी है, बेसिकली वो मौसम की वजह से वो थोड़ी सी धूप दिखाने से ठीक हो जाएगी. इसको हम लोग कलकत्ते में मुकपोड़ा बोलते हैं,
जो लखनऊ में तोकिया बोलते हैं, अलग अलग स्टेट का अलग अलग नाम है, इसको मचियल तोक बोलते हैं। और ये तारा तो हमारे उस्ताद अली नवाब साहब का कॉपी है, और बाकी मैंने ये खुद से क्रिएशन किया। बेसिकली मैं सब उस्तादों की थोड़े 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 आइडियाज़ को लेके, बेसिकली वो सब मेरे सारे उस्तादों के ये इंस्पिरेशन है छोटी सी। ये अद्दी पतंग है, इसको मालेदार तोक कहते हैं, और इसको ऑनेस्टली बताओ तो मेरे को पता नहीं है। बेसिकली मेरे पहले सोशल मीडिया में देखते थे कि बड़े बड़े उस्तादों ने ऐसे डिज़ाइन बनाती है, तो मैंने बस ये छोटी सी कोशिश की है। ये तीन तोक है, बीच में तारे हैं, और इसको हम लोग यहाँ पर मांग बोलते हैं, बाहर में कुछ और बोलते होंगे मे भी। और बस ये एक छोटी सी कोशिश है। कितना देर लगा था बनाने? ये पतंग बनाने में अराउंड 7 से 8 घंटा लग गया। 4 घंटे सिर्फ इसको जोड़ने में लग गए, 4 घंटे इसको कटिंग करने में लग गए, उसको जोड़ने में फिर 2 घंटे लग गए, अराउंड 7 से 8 घंटा लगा ये एक सिर्फ सिंगल पीस पतंग बनाने में। कागज मोस्टली 4.7 अजंता, और ये जो बाकी जो कलरफुल कागज है वो खातिमा 4.5 5 के जो खातिमा में उतने कलर आते हैं नहीं, 4.5 खातिमा, और कुछ कुछ अजंता 4.5 या 4.3 इस्तेमाल करता हूँ। ये मेरी डोंगा पतंग है, ये डमरू नहीं, ये डोंगा पतंग है। डमरू पतंग और डोंगा पतंग बेसिकली डिफरेंस होता क्या कि डमरू पतंग जो है उसमें आधे की साइज़ की कमान चढ़ती है, और डोंगा पतंग में क्या होती है ये कमान जो है ये ठड्डा 21.5 का लगा हुआ, कमान लगा हुआ 33.5 इंच के, जो कि पौने में लगती है, गोल पौने में लगती है, लंबे पौने में 32 से 32.5 लगती है। और ये मेरे क्रिएशन है, कुछ यूनिक बनाने की कोशिश किया था बस।